What are the things about this company or the project you like about it? आई थिंक दो साल के पैंडेमिक के बाद दो साल शायद खंडाला में रहने के बाद रियलाइज़ किया कि सेकेंड हाउस का मान्य क्या है कि कैसे एक फैमिली को जोड़ के रखता है। आई थिंक द वर्स्ट पीरियड में मैं अपनी बेस्ट लाइफ जिया हूँ दो साल फैमिली के साथ नेचर के बीच एक दूसरे की तकलीफें समझते हुए दिन रात एक साथ गुजारते हुए और ये डेफिनेटली जानना कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आई थिंक इसलिए जब रामकर जो मेरा की टीम मेरे पास आई और कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो मैं जुड़ना चाहूँगा। मेरी अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी है एस टू रियालिटी जो सेकेंड होम्स बनाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर जुड़े तो ऐसी ऐसी जगह में जुड़े जहाँ सोच एक ही है, यू नो, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का बनना ये नहीं है कि मैंने अपने आप का मेरा फोटो दे दिया और मेरा काम हो गया। I'm also responsible for a whole lot of things, what the people behind the project are. तब मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और बिना उन पेड़ों को हाथ लगाए अगर एक आर्किटेक्चुरल टीम मैं लेकर आ सकूँ जो जिनकी सोच वैसी है, तब जाके राजेश और नीता आए, बिंदु जिसकी कंपनी यू नो वुडन होम्स और सेकंड होम्स बनाती है पहाड़ों में और दूसरी सारा बोर्ड एक बहुत ही अच्छी कंपनी, तो उनका जुड़ना कहीं ना कहीं उन घरों को खूबसूरती देने में मार्केटिंग में रूम फाइव बाकी की टीम। तो आई थिंक यू नो ओवर ऑल इन ऑल एक ऐसी कंपनी और ऐसे लोग जिसकी जिनकी सोच मेरे सोच से मिलती थी। आई एम अ लवर ऑफ नेचर एंड सिर्फ इसलिए। मिराकी के मायने क्या है? सर यू कैन डिफाइन व्हाट मिराकी स्टैंड फॉर? डिवाइन ब्यूटीफुल एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम घर की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं। अगर मैं घर की डेफिनेशन पूछूं कि भाई घर तो लोगों से इनसिग्निफिकेंट तो सब लोग है ना? एब्सोल्युटली। माँ, पिताजी, भाई बहन, फैमिली, जॉइंट फैमिली जो हिंदुस्तान की गोपी थी वो मेरे लिए घर होता है। हर सारे कंपनी के मर्ज होते हैं एक ही घर होता है, लेकिन अगर हम नेचर के बीच में रहें और अपने लोगों के साथ रहें और यहाँ भी आप देखोगे तो बेसिक माइंडसेट ही ऐसा है कि प्रॉब्ली एक एंटरटेनमेंट एरिया एक ही है, बाहर जहाँ भी देखोगे आप ग्रीन ही ग्रीन है, तो एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो विच मीन्स इट कैन ऑल्सो हेल्प मी कम बैक टू वर्क विद अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। जब मैं सैटरडे संडे निकल जाता हूँ फार्म में, मैं करता कुछ नहीं, लेकिन अपने फार्म में बैठकर गार्डनिंग करूंगा या बटरफ्लाई फार्म के बारे में सोचूंगा, बर्ड्स को कैसे ले आने, उनकी फीड क्या होनी चाहिए, पेड़ पौधे कौन से लगने चाहिए, हमारे इलाके के जो महाराष्ट्र के पेड़ वो कौन से पेड़ हैं जो बर्ड्स को इनवाइट करते हैं नेस्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ, सुनिए मैंने सीखा नहीं, मैंने पढ़ के देखा और एग्जीक्यूट करके देखा हुआ। What is the targeted audience, you know?